Hello, my dear students, you are welcome in RK Institute. I am Dr. R.K. Saini, and today I am going to discuss some important questions of organic chemistry, including haloalkane, haloarene, alcohol, ether, carbonyl compounds, aldehyde ketone means carboxylic acids, amines, hydrocarbons. These questions are important for NEET, ITJE, UGC, CSIR, जो NEET paper होते हैं, ठीक है, गेट में भी जो पेपर होता है, यूपीएससी जिनके पास में केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट है उनके लिए, इन सभी एग्जाम्स के लिए केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है और उनके लिए मैं आपको कुछ खास तरीके के जो क्वेश्चन सिंथेसाइज किए गए हैं वो मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ, आप उनको देखें। एक पेपर है कंप्लीट केमिस्ट्री का, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो आप उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बार मैं पेपर आपको अपलोड कर रहा हूँ, एक बार देखें, उसकी की भी डाल रहा हूँ, फिर मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो एक बार अपने पेपर को देख लें, ठीक है ना, और पेपर को देखने के बाद में खुद किया करें पहले क्वेश्चनों को, फिर उसके बाद में आप सॉल्यूशन देखें, ठीक है। तो मैं आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन पेपर, करीब 45 क्वेश्चन है इसके अंदर, पेपर अपलोड कर रहा हूँ, साथ में इसकी की भी डाल रहा हूँ, ठीक है। ये इसकी की है, इस पेपर की भी मैंने आपको डाल दी है। अब आप एक बार अपने पेपर को देख लें, ठीक है, और कोई डाउट हो क्वेश्चन में तो आप मेरे से सीधे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसमें नंबर लिखा हुआ है मेरा। और यदि ये यूजफुल क्वेश्चन हो, आपको इतना यदि हम डालते हैं और ये यदि आपको एग्जाम में हेल्प करते हो, यूजफुल हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, इसमें कहने की बात नहीं है, ये अपने आप सोचना चाहिए। यदि अपने को यूजफुल कोई क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, फ्री में मिलते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। चलो खैर, ठीक, अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ पेपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट देखो आप, ये सभी क्वेश्चन जनरली किसी एग्जाम्स में या बनाए गए क्वेश्चन है, जो बढ़िया क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन है, एक कंपाउंड दे रखा है आपको, ठीक, इसमें 2 moles सोडामाइड डाला गया है, NaNH2, प्रोडक्ट ए, द प्रोडक्ट ए विल बी। अब इस क्वेश्चन का मीनिंग समझो, आप समझिए, तो 2 mole का मतलब है आपको समझो कि इसके अंदर बेस डाला गया है। आपको पता है ना कि सोडामाइड NaNH2 क्या चीज है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन इसके कितने मोल लिए गए, 2 moles, और 1 mole में एक इक्विवेलेंट है इसका, इसलिए आपको 2H निकालने, एसिडिक हाइड्रोजन, अब वो भी प्रायोरिटी के बेस पे। अब आप देखो इसके अंदर, एक तो इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, 2 फिनोलिक ग्रुप में, ध्यान से देखो, 2 फिनोलिक है, एक टर्मिनल एल्काइन। वैसे जनरली आप कहते हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं, तो इनमें अब आपको पता होना चाहिए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इनमें, इन्हीं ग्रुप्स में इसका के नियरली होता है 10^-5 की रेंज का। दूसरा होता है साहब फिनोलिक, इनके अंदर जो दे रखा है, समझ गए, ये फिनोलिक, हालांकि इससे तो बहुत वीक है, इसका के 10^-10 की रेंज का है। और फिर होती है टर्मिनल एल्काइन, आपको बता दूं टर्मिनल एल्काइन वाटर से भी वीक होती है, ध्यान रखें आप, ठीक है, तो वो तो एसिडिक स्ट्रेंथ बात की जाती है। तो जब 2 equivalent डाला है, 2 mole डाला है, तो एक तो आप एच यहां से निकालेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब फिनोलिक ग्रुप 2 है, एक तो सिंपल फिनोलिक रिंग है और एक फिनोलिक रिंग के अंदर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। आप ध्यान रखना नाइट्रो ग्रुप कैसा है आपके पास में, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, मेटापोजिशन पर है, समझ गए, तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ने से जो फिनोलिक रिंग है वो मोर एसिडिक हो जाएगी सिंपल फिनोलिक रिंग से। NH2H एटम्स या H+ आयन इन फॉर्म ऑफ प्रोटोन रिलीज फ्रॉम द कंपाउंड, वन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड अनदर फ्रॉम द फिनोलिक ग्रुप विच कंटेन मेटा नाइट्रो कंपाउंड, क्लियर, तो आपके पास में ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। बस आपको 2 हटाने, एक यहां से एच हटाना था, एक यहां से, क्योंकि वहां पर 2 equivalent डाले हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं यदि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कराते तो आप इन चारों को हटाते, फिनोल ये भी हटाते और टर्मिनल एल्काइन का भी। क्वेश्चन फर्स्ट था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था और ऐसे क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, कुछ एल्कोहल्स दे रखे हैं आपको, बताना है इनका ऑर्डर, ठीक है, इनका डिहाइड्रेशन का ऑर्डर बनाना है। तो अब अपने को पता है कि साहब जब एल्कोहल डिहाइड्रेट होते हैं, ध्यान से देखो, कंसेंट्रेटेड H2SO4 वगैरह डालते हैं एसिडिक मीडियम में, तो ये क्या है, प्रोटोनेटेड हो जाता है और कैटायन बनते हैं। तो कैटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी होती है, तो सबसे मोस्ट स्टेबल कैटायन आपको पता है टर्सरी, फिर उसके बाद में सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, सबसे कम होता है मिथाइल, ठीक। तो ये जो फोर्थ कंपाउंड है इसके अंदर जो कैटायन बना हुआ है, देखो इधर ध्यान से, इस OH को आप प्रोटोनेटेड करना और इसे हटा देना, तो ये बना हुआ है आपके पास में, इस OH को हटा देता हूं, तो आपके पास में कौन सा कैटायन होगा, ये टर्सरी, इसके अंदर 3 methyl ग्रुप लगे हुए हैं, यानी 9α H है, ठीक, टर्सरी टाइप का सबसे पहले ये। अच्छा आप सेकंड पर देखो, अब जो आपको दिखा रहा हूं, देखो आप फर्स्ट में प्राइमरी बनेगा, प्राइमरी कैटायन, अच्छा इस सेकंड में बनेगा आपके पास में सेकेंडरी, और जो ये थर्ड है इसमें भी सेकेंडरी। अब इन दोनों में चेक करो, अब सेकेंडरी को देखते हैं एक बार, देखो ये सेकेंडरी जो आपके पास में सेकंड कंपाउंड का कैटायन है और ये थर्ड कंपाउंड का कैटायन है, ये भी सेकेंडरी टाइप का है,
ये भी सेकेंडरी टाइप का यहां से बनेगा। अब इन दोनों में रिलेटिव स्टेबिलिटी चेक किया करो, इसके अंदर कितने अल्फा एच है, आप बोलो सेकेंडरी के अंदर 3 और 2, 5 अल्फा एच। इसके अंदर कितने, 3 एंड 2, कितने 3 एंड 1। इसके अंदर अल्फा एच कितने, ओनली 4, एंड हेंस सेकेंड कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव देन थर्ड वन। ध्यान रखना, क्योंकि ध्यान रखें आप, ये जो एल्कोहल्स होते हैं वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एल्कोहल डिहाइड्रेट नहीं होता है विदाउट हीटिंग, हीट करना पड़ता है। सेकेंडरी एंड टर्सरी स्लाइटली हीटिंग पर या प्रोटोनेटेड होकर डिहाइड्रेट हो जाते हैं, इसलिए ईवन रिएक्शन देते हैं। तो ईवन में कैटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी होती है, ध्यान रखो आप। तो सबसे पहले कंपाउंड 4, उसके बाद में कंपाउंड सेकेंड, देन थर्ड, और फिर लास्ट में फर्स्ट। तो ऐसा कोई सीक्वेंस देख लो, जैसे ये सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, एक आइसोपेंटेन पेंटेन क्लोरीन की रिएक्शन करके एक्स बनाता है, इसमें लिखा हुआ है मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बताने इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स का मतलब है जैसे अब एलोजिनेशन होगा तो हो सकता है कोई कायरल कार्बन बन जाए, और कायरल कार्बन बन गया तो आपको उस कंपाउंड के 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स काउंट करने होंगे, इंक्लूड नेमली डेक्सट्रोरोटेटरी एंड लियो। तो देखो पहले आपको समझाता हूं, ये आपके पास में है आइसोपेंटेन, ये लो, इस पर मोनोक्लोरो प्रोडक्ट स्ट्रक्चरली कितने बनते, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं। तो स्ट्रक्चरली एक प्रोडक्ट तो ये बनता, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट आपके पास में स्ट्रक्चरली बता रहा हूं पहले, सेकेंड प्रोडक्ट मोनोक्लोरो ये बनता, थर्ड प्रोडक्ट यहां से निकाल सकता हूं, देखो आप, थर्ड प्रोडक्ट मोनोक्लोरो ये फॉर्मेशन होता, ये लो। और फोर्थ प्रोडक्ट की यदि बात की जाए तो ये जो आपके पास में एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहां से भी निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरह से सबके नेमिंग चेक करके देख लिया करो, डिफरेंट नाम आते हैं तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। अब उन्होंने पूछे स्टीरियो, ठीक। तो स्टीरियो में अब आप देखो एक बार ध्यान से, एक तो आप इस कंपाउंड को देखो, एक इस कंपाउंड में कायरल कार्बन है, और जिसमें आपको पता है कायरल कार्बन है तो आपको 2 आइसोमर इंक्लूड करने हैं स्टीरियो, नेमली डेक्स्ट्रो एंड लीवो। और ठीक इसी तरह से आप इसको देखो, इसके अंदर भी कायरल कार्बन है ये वाला, क्योंकि एक तो CH2Cl, एक CH3, इस तरह से इसके भी 2 काउंट करना, तो 2 इसके 2 इसके 1 और 1, आंसर क्या लिखोगे आप, 6, इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। यदि केवल कोई स्ट्रक्चर बोलता ओनली क्वेश्चन में तो आप कितने बताते हैं, ओनली 4। क्लियर, बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान से देखिए आप। क्वेश्चन नेक्स्ट, इस तरह से ये सेलेक्टिव क्वेश्चन है, आपको बता देता हूं, जो आपको सभी तरह की, जैसे आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन भी हो गया, अब ये केमिकल रिएक्शन का क्वेश्चन भी हुआ, किसका, एल्केन का, हाइड्रोकार्बन का, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हो गया एल्काइल हैलाइड का, और इसके अंदर स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी इंक्लूड की गई, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करके बनाए गए आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक मिथाइल मिथाइल साइक्लोप्रोपेन है, आप समझना उस पर क्या क्वेश्चन पूछा है, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, उस पर भी आपको हेलोजिनेशन कराना है सनलाइट की प्रेजेंस में, और बताना है कोई कंपाउंड बना उसमें भी यही बताना है, मोनो हेलोजन प्रोडक्ट बना बताने एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग का मतलब केवल आपको स्ट्रक्चर, तो आप केवल 3 बना सकते हो। देखो एक यहां से हटा देंगे आप, मोनोक्लोरो बनाएंगे, एक आप रिंग के इसके पास वाले को हटा देना यहाँ पर, एक सीएल ये बता देंगे, और एक कहीं भी आप रिंग से हटा सकते हो, ठीक है, वो रिंग पर एक जैसे बनेंगे, येलो साहब। तो इस तरह से कितने बनेंगे, ओनली 3। फिर क्वेश्चन नंबर 5th देखो, क्वेश्चन फिफ्थ को आप फिर देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन है, इसके बताने हैं आपको मोनो क्लोरो प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। तो पहले आप क्या किया करो, स्ट्रक्चरल आइसोमर लिख लिया करो, कि साहब मोनोक्लोरो के कितने स्ट्रक्चरल्स बन सकते हैं। तो देखो आपको समझाता हूं, इसके आपके इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकते हैं इसके केवल 2, एक तो ये बना दिया मैंने, अब चाहे इसको स्पष्ट से हटाओ, स्पष्ट से हटाओ, यहाँ एक ही बात है, और एक आप इसके ये बना सकते हो। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स केवल इस कंपाउंड के 2 पॉसिबल थे, देख लीजिए आप, एक यहां से भी एक्स को हटा देता हूं, ठीक है, देखना मोनोक्लोरो, और बाकी सब आप इधर से हटाओगे तो वो रिपीट हो जाएंगे, ठीक। तो केवल 2 पॉसिबल है स्ट्रक्चर। अच्छा अब आपको फिर ध्यान रखना है, फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कोई बोल लेता है ना इंक्लूडिंग स्टीरियो, तो आप ध्यान रखना है एल्केन में कायरल कार्बन बन सकता है, और कायरल कार्बन यदि बन गया तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा और उसके 2 काउंट करेंगे, तो इस कंपाउंड के फिर 2 लिखने आपको, चेक करो ये भी एक कायरल कार्बन है, चेक कर लीजिए आप, इसलिए इसके 2, एक डेक्स्ट्रो एंड एक लीवो, और एक ये, तो आंसर देना था आपको 3। लो जी, अमंग द फॉलोइंग 1, 2, 3 कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, ऑर्डर ऑफ द SN1, SN1 रिएक्शन में आप याद करना है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सेलेक्ट किया है,
यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उसके अंदर इंटरमीडिएट बनती है कार्बोनियम आयन, उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी थी। तो दोस्तों देखो, पहले मैं आपको बताता हूं कार्बोनियम आयन, फर्स्ट में हेलोजन को हटा के आपके पास में ये कार्बोनियम आयन बनेगा या कार्बोकैटायन बनेगा फर्स्ट का, सेकंड का दिखाता हूं। देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सेकंड का दिखाता हूं, हेलोजन को हटाओ ये बना, ठीक है। उसके बाद में थर्ड का दिखाता हूं, आप देखो एक बार थर्ड के कैटायन को भी देखो, ये थर्ड में कार्बोनियम आयन बना। अब आपको आइडेंटिफाई, अब आपको बता देता हूं, फर्स्ट स्टेबिलिटी चेक करने के लिए पहले सबसे पहले मोस्ट स्टेबल होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, फिर होते हैं नॉन एरोमेटिक, और यदि कहीं पर एंटी एरोमेटिक बन गया तो सबसे लीस्ट स्टेबल। तो ध्यान रखना, ये तो है एंटी एरोमेटिक, ये था अब आपके पास में नॉन एरोमेटिक, और ये कंपाउंड आपके पास में इसमें लॉन पेयर है। ध्यान रखना, देखो ऑल्टरनेट डबल सिंगल चेक करा देता हूं, डबल सिंगल आप लॉन पेयर को भी डबल बॉन्ड बोल सकते हो, डबल फिर सिंगल फिर डबल और फिर सिंगल फिर डबल, तो ये कैसी स्पीसीज है, एरोमेटिक, 6 pi इलेक्ट्रॉन है बेंजीन के बराबर, ठीक है, एडेंस एरोमेटिक। तो सबसे पहले तो थर्ड पे कराइए, फिर उसके बाद में फर्स्ट में और फिर सेकंड में, थर्ड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसा कोई ऑप्शन होगा जैसे सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने ट्रोपाइलियम कैटायन के बारे में, ठीक है। एरोमेटिक स्पीसीज है, सही है, 6 pi इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हक्कल रूल को ओबे करती है, एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड है, पैरामैग्नेटिक नहीं है क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन क्या है इसके पेयर्ड है, ना इट इज डायमैग्नेटिक, और हाइब्रिडाइजेशन स्टेटेड कार्बन, सभी कार्बन पर क्या है sp2, वो भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा था इनकरेक्ट में, सी। क्वेश्चन 8 बता रहा हूं, एक्सपेक्टेड रिएक्ट मोस्ट रेडिली विद H2 एंड निकिल। अब इसमें भी ध्यान रखने की बात है साहब, ये हाइड्रोजिनेशन है, तो जब एल्कीन और एल्काइन का आप हाइड्रोजिनेशन करते हो, याद करो, तो एक 4-membered रिंग बनती है जिस पर स्टेरिक क्राउडिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है, इसलिए स्टेरिक क्राउडिंग इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ये एल्कीन थी या कोई एल्काइन, अब देखो इधर जब आप कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कराओगे तो ऐसे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, इस बॉन्डों को ऐसे 4-membered साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी इस तरह की, जिस पर मेनली क्या चेक करनी होती है आपको, स्टेरिक क्राउडिंग, यानी छोटे छोटे ग्रुप और एटम होने चाहिए, एंड एज एल्काइन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्कीन टुवर्ड द कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन ड्यू टू लेस स्टेरिक क्राउडिंग। तो सबसे पहले कोई एल्काइन हो तो उसी को दे दो, जैसे रस्सी ऑप्शन चेक कर लो, क्लियर, इस पर फर्स्ट पे होगी नहीं, ठीक। फंक्शनल, द फंक्शन ऑफ AlCl3 इन फेडल क्राफ्ट, तो ध्यान रखो फेडल क्राफ्ट रिएक्शन होते हैं साहब इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, तो जो आपके पास में हेलोजिनेशन वगैरह रिएक्शन कराते हैं तो ये लुइस एसिड है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में काम आते हैं क्योंकि ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं रिएक्टिव स्पीसीज से, जिससे क्या बना देते हैं इलेक्ट्रोफाइल, तो इनका काम है वैसी दे दिया क्वेश्चन, ध्यान रखना टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, बढ़िया क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन 10, क्वेश्चन है रिएक्शन दे रखी है आपको प्रोपाइन, उस पर हाइड्रोलाइसिस करा रखा है HG प्रेजेंस में एसिडिक। अब आप ध्यान रखना कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये प्रोपाइन कैटालिटिक हाइड्रो क्या कराना था इसका हाइड्रेशन, एसिडिक मीडियम में हाइड्रेशन कराना है, ये HG जो +2 आयन होता है ना वो तो HG कैटलिस्ट, तो आपको पता है कैटायन बनाना है, सेकेंडरी वाले बनाएंगे आप, स्टेबल बनता है तो H तो जोड़ देना आप इस जगह और OH जोड़ना इस जगह, जैसे मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन ये पता है क्या चीज है, इनोल, इनोल कैसी होती है अनस्टेबल, तो टोटोमराइज, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और H इधर, तो टोटोमराइज होकर क्या देगा आपके पास में एसीटोन, सेकेंड ऑप्शन, ठीक। क्वेश्चन है 2 mole ऑफ HBr एडेड दिस प्रोपाइन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड गिव्स। अब फिर ध्यान रखना परोक्साइड की प्रेजेंस में एडेंस खरास इफेक्ट और एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करना है, एंटी मार्कोनी में क्या बनेगा आपके पास में फ्री रेडिकल जो मोर स्टेबल। देखो एक स्टेप समझाता हूं आप, इधर देखो सबस्ट्रेट जो होता है ना, इधर देखो इस पर क्या अटैक करता है स्टेप, जो पहले में तो आपको पता है कि परोक्साइड फ्री रेडिकल जनरेट करता है इनिशिएशन स्टेप, फिर वो फ्री रेडिकल HBr से अटैक करके Br फ्री रेडिकल लगाता है, और फिर स्टेप जो थर्ड है वो लिख रहा हूं, जो आप क्या बोल देते हो इसको सबस्ट्रेट की रिएक्शन, जिसको RDS कह सकते हो, तो ये अटैक करेगा तो अब आपको इसमें फ्री रेडिकल ही बनेंगे, ठीक है। तो मैं देखो इधर इसको जोड़ के सेकेंडरी फ्री रेडिकल को बढ़ाना, Br यहां पे जोड़ देना ऐसे, फिर अगले स्टेप में यहां पर क्या ऐड कर दोगे H, एक मॉलिक्यूल का एडिशन हुआ, देख लो एक बार, फिर वापस फ्री रेडिकल आएगा थर्ड स्टेप जिसको बोलोगे, फिर फ्री रेडिकल, फिर आप क्या करना फिर सेकेंडरी के फ्री रेडिकल बनाना, इसको तो यहीं पर ऐड कर देना ये सेकेंडरी, प्राइमरी बनाना मत, और फिर उसी पे क्या जोड़ देना अगले स्टेप में H, तो आपके पास में 1,1-dibromopropane बन जाएगी एग्जाम्पल, ये फर्स्ट ऑप्शन, क्या ध्यान रखें आप एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, 2 moles ऑफ HOBr अटैक प्रोपाइन इट गिव्स, वही क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखना इसके अंदर भी साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है, वैसे तो आपको बता दूं, ठीक है, साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है, ब्रोमीन है इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल,
ठीक है, और उसी तरह से एडिशन कराएंगे तो दो बी आर तो आपके पास में इस जगह जुड़ जाएंगी, ध्यान रखना, जब उसके खोलोगे तो, और यहां पर क्या आएंगे, दो ओ एच एडिशन होगा ऐसे। अब आपको पता है कि एक कार्बन पर टू ओ एच स्टेबल होते नहीं, तो वाटर मॉलिक्यूल लॉस्ट करके और सीओ कार्बोनिल ग्रुप में बदल जाते हैं, इसलिए आपके पास में आंसर आएगा इसका फर्स्ट। क्लियर। अगला क्वेश्चन, मैच द कॉलम है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो देखिए इसमें बताना है आपको कि रिएजेंट के नाम और प्रोडक्ट दे रखे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट ये कोई ब्यूटाइन है जिसको सिस टू ब्यूटीन में कन्वर्ट करना है, तो रिडक्शन करना है, तो पहली बात तो आपको बता दूं, रिडक्शन के लिए एक तो लिंडलार कैटलिस्ट काम में लेते हो, और एक निकिल सॉरी इसके निकिल बोराइड भी ले सकते हो, और दूसरा आपके पास में क्या ले सकते हो, सोडियम और लिक्विड अमोनिया। अब जब ये लिंडलार कैटलिस्ट लेते हैं तो सिन एडिशन होता है, तो सीधी सी बात है कि जब टू ब्यूटाइन पर सिस टू ब्यूटीन बनाइए तो क्या लेंगे आप इसके अंदर, लिंडलार कैटलिस्ट पैलेडियम और BSO4H2 की प्रेजेंस में। अच्छा जब ट्रांस बनानी है तो लिक्विड ये लेंगे आप, सोडियम और लिक्विड अमोनिया, क्योंकि इसके अंदर आप ध्यान रखो ट्रांस एडिशन होता है, ठीक है। फिर ब्यूटेन डाइऑन बनाना है तो बेयर्स रिएजेंट डालो, क्योंकि ब्यूटेन डाइऑन बनाना है ना, इधर देखो आप समझे, ये क्या है बेयर्स रिएजेंट, क्या काम आता है हाइड्रोक्सीलेशन में, एल्कीन और एल्काइन के, तो हाइड्रोक्सीलेशन में क्या करेंगे, ये दो ओएच ओएच ऐड कर देंगे। अब आपको पता है, अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, ये कार्बन पर दो एच स्टेबल नहीं होते, तो वाटर मॉलिक्यूल लॉस्ट करके वो सीओ कार्बोनिल ग्रुप में बदल जाते हैं, तो ये आपको ब्यूटेन डाई ऑन बनाना है तो बेयर्स रिएजेंट डालो, कोल्ड के MnO4, ठीक है, और एन एल्केन बनाना है तो कैटालिटिक रिडक्शन कर दो, तो ऐसा कोई ऑप्शन आप चेक कर लेना इसमें। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मच ब्यूटेन, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ एयर, ध्यान रखना, एयर विल बी नीडेड फॉर द कंप्लीट कंबेशन ऑफ 10 लीटर ऑफ इथेन, एज्यूम 30% O2 होती है एयर के अंदर बाई वॉल्यूम, ठीक है। अब आप समझ रहे ध्यान से, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है, और कुछ नहीं है, ये इथेन आप जानते ही हो साहब, ये C2H6, ठीक है, कंबेशन कराते हैं ऑक्सीजन से, इसके जितने कार्बन है वो सब किस में बदल जाते हैं, CO2 में, और कुछ बनता नहीं है प्रोडक्ट, और हाइड्रोजन बन जाते हैं वाटर में, यहां से बैलेंस कर लिया करो, तो साहब आपके पास में 4 और 3 7 ऑक्सीजन चाहिए, तो मैं यहाँ पर ऑक्सीजन लिख देता हूँ 3.5, लो साहब इतने मोल चाहिए। अच्छा एक मोल या एक वॉल्यूम के लिए 3.5, ये 10 लीटर तो कितना चाहिए आपको, 35 लीटर। अब क्वेश्चन ये है कि 35 लीटर आ जाती ऑक्सीजन होती, तो वो पूछ रहा है एयर कितनी चाहिए, अब 20% का मतलब समझते हो ना, यदि आपको 20 लीटर ऑक्सीजन चाहिए तो एयर कितनी लेनी पड़ेगी, 100 लीटर, एक चाहिए तो इतनी, और आपको 35 लीटर चाहिए, तो आंसर ये क्लियर, इसलिए ये आंसर आ जाएगा 175 लीटर। क्वेश्चन नंबर 15, तो इसमें ध्यान रखना एयर पूछा था, ऑक्सीजन पूछता तो सीधा 35 लीटर, बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनियम आयन, ठीक है, विल अंडरगो रीअरेंजमेंट, तो रीअरेंजमेंट के लिए मैं आपको कंडीशन समझा देता हूं, जब करते हैं रीअरेंजमेंट, माइग्रेशन होता है, रीअरेंजमेंट समझते हो ना, 1 to shifting, मे बी 1 to hydride shifting, 1 to methyl shifting, एल्काइल शिफ्टिंग, पैराइल शिफ्टिंग एटसेट्रा, बट इन ऑलवेज लेस स्टेबल कैटायन बिकम मोर स्टेबल, और देन रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग मे बी मोर देन 1 time, ठीक है, पहला जैसे क्वेश्चन, तो ये जो बना हुआ है सेकेंडरी है, अब शिफ्टिंग यदि इधर से करता हूं तब भी ये सेकेंडरी रहेगा, और एल्फा एच की वैल्यू वही रहेगी सेम, और यदि यहां लाता हूं तो सेकेंडरी रहेगा लेकिन एल्फा एच की वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए इसको आपको नहीं करना है, मोर स्टेबल बनना चाहिए। अब इसको थर्ड को देखो, इस बी को ऑप्शन को देखो, इसके अंदर सेकेंड टर्सरी है वैसे ही, और एल्फा एच है इस पर, दो इधर और एक इधर, कितने एल्फा एच है इसके अंदर, 4 और 1 5। अब यदि इस पर रीअरेंजमेंट यानी यहां से शिफ्टिंग कर दी जाए, देखो आप बी ऑप्शन दिखा रहा हूं, यदि हाइड्राइड शिफ्टिंग कर दिया जाए इस टर्सरी कार्बन का, तो ये इस कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है, और इस कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा तो 3 और 3 6 और 1 7 एल्फा एच आ जाएंगे इसके अंदर, कितने आ जाएंगे आपके पास में, 7 एल्फा एच, तो इसका करा लो। आगे देखो इसके अंदर कुछ नहीं करना, क्योंकि बैक बॉन्डिंग है इसलिए ऑक्टेट कंप्लीट है, बैक बॉन्डिंग है नाइट्रोजन के पास में, लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग है इसलिए ऑक्टेट कंप्लीट है, तो आंसर क्या लिखोगे, बी ऑप्शन ओनली, बाकी दो में नीचे बैक बॉन्डिंग थी इसलिए स्टेबल है वो। क्वेश्चन एल्कोहलिक केवेच, अब आप ध्यान रखो सेकेंडरी एल्काइल हेलाइड है, एल्कोहलिक केवेच है, तो सेकेंडरी एल्काइल हेलाइड से E2 रिएक्शन होगी, जिसके अंदर सेजेप एल्गिन मेजर प्रोडक्ट होता है, यानी ट्यूब्यूटीन, तो ट्यूब्यूटीन एक तो ट्रांस है रिएक्सी से, तो एंटी इलिमिनेशन है इसलिए ट्रांस बनाओ, एंटी इलिमिनेशन इसलिए कौन सी ज्यादा स्टेबल बनती है, ट्रांस। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लाइकली बी अंडरगो डिहाइड्रेशन विद रीअरेंजमेंट बाई ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग मिथाइल माइग्रेशन, जिसमें मिथाइल का होना चाहिए लेकिन कंडीशन है एक बार ही होना चाहिए, तो देखो आप ध्यान से, फर्स्ट कोई फर्स्ट ये था आपके पास में, देखो आपको समझा दूं, ऐसे लिखा हुआ था, यहां पर बनेगा कैटायन,
जब आप वाटर निकाल दोगे ना इस जगह से, तो यहाँ क्या बन जाएगा, कैटायन प्राइमर। ये तो इस मिथाइल को शिफ्ट करके यहाँ ले आना, एक ही बार करना है, तो यही आंसर आ जाएगा। इसके अंदर क्या बनेगा एक्चुअल में, जैसे बात करते हो यहाँ पर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता तो ये प्राइमरी पहले सेकेंडरी में हाइड्राइड शिफ्टिंग होता, इसलिए फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, माइग्रेशन का। ये हाइड्राइड में जो शिफ्टिंग होता है ना, एल्काइल हाइड्राइड कैटायन बनते हैं, उसका क्वेश्चन है। दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 18, देखो बढ़िया क्वेश्चन। इसको पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहते हैं, रिएक्शन याद हो तो। देखो ये जो होते हैं ना डाई टर्सरी एल्कोहल या डाई टर्सरी ग्लाइकोल भी बोल सकते हो आप, एडजेसेंट एल्कोहल होते हैं ये, दो टर्सरी एल्कोहल है इसके अंदर एडजेसेंट, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करोगे, एच प्लस आयन डाला, एच प्लस आयन डालते ही एल्कोहल को प्रोटोनेटेड कर लिया करो, बाहर निकल गया, ठीक है। उससे किस में बदल गया साहब, ये कैटायन में। अब है तो ये टर्सरी, लेकिन आपको अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी, इसको आप रीअरेंजमेंट कराइए, जिससे क्या कि ये मोर स्टेबल कैटायन में कन्वर्ट हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए, क्योंकि उसमें बैक बॉन्डिंग होगा। तो यहां से आप क्या करो, इस मिथाइल शिफ्ट कराओ इससे, जब इस मिथाइल को शिफ्ट करके नहीं इस जगह ऐड कर दो, यहाँ पे मिथाइल देखो ये कर दिया मैंने, और पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ गया, इस कार्बन पे, बहुत बढ़िया। क्योंकि अब क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देगी, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, ये एच बाहर निकल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा। इस रीअरेंजमेंट को कहते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल रीअरेंजमेंट ऑफ कैटायन वाले को एक्सप्लेन करने में काम लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, एक कोई कंपाउंड दे रखा है आपको, एल्कोहल दे रखे हैं, ठीक है ना, ए बी सी तीन एल्किन बना रखे हैं, पूछिए साहब इनमें से कौन सी ज्यादा स्टेबल किस तरह से, ठीक है। तो देखो पहले वाली के एल्किन के बारे में बता देता हूँ, ये आपके पास में CH3, ऊपर भी CH3 है, नीचे CH3, CH, OH और CH3, फिर एच प्लस आयन डाल के हीट कर रखा है, तो एच प्लस आयन डालोगे प्रोटोनेटेड करना, कैटायन बनाना, कैटायन कम स्टेबल है, स्टेबिलिटी बनाने के लिए शिफ्ट करा देना, और ये आपके पास में टर्सरी कैटायन में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद में एच जो डाला था उसको बाहर निकाल देना। तो सही बात तो ये कि साहब ये प्रोपाइन, ये आपके पास में एल्किन बनी, चेक कर लेंगे आप, बहुत ज्यादा स्टेबल है, 12 अल्फा एच है इसके अंदर, ठीक है। पहला, दूसरे में देखो आप ध्यान से, ये ए है आपके पास में, 12 एच है, अल्फा एच है इसके अंदर, ध्यान रखना आप। दूसरे को देखिए, ये इस तरह का कोई कंपाउंड है, एक साइक्लिक कंपाउंड है, एल्कोहल है, यहां पर लगा हुआ है OH, सबसे पहले वही प्रोटोनेटेड करेंगे, फिर इसको बाहर करेंगे तो ये कैटायन बनेगा, ठीक है। ये कैटायन सेकेंडरी, इसको रीअरेंजमेंट कराना मिथाइल शिफ्ट करके, जिससे आपके पास में ये इस तरह के कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एल्काइल ग्रुप इधर आ जाएगा, ये कैटायन, फिर आप यहाँ से एच निकाल देना बाहर, इसलिए ये एल्कीन बनेगी, कुल मिलाकर 3 3 2 2, तो इसमें अंदर कितने बन जाएंगे, 10 अल्फा एच, 3 इधर 3 इधर, 2 2 2, तो इसके अंदर अल्फा एच कितने थे, 10, पहली वाली से कम स्टेबल होगी, उसके अंदर ज्यादा थे, 12 थे उसके अंदर, इसमें 10, ठीक है। तीसरा देखो एक बढ़िया एग्जांपल, ठीक है, ये तीसरा इस तरह का एल्कोहल है, ये लो ऐसे, सबसे पहले क्या करना, प्रोटोनेटेड करो इसको और बाहर करो, बाहर करेंगे तो साहब ये कैटायन बनेगा, देखो इधर इसको मैंने बाहर निकाल दिया है, आपके पास में ये कैटायन बना, इसमें रेजोनेंस भी है, पहले रेजोनेंस करा लो, रेजोनेंस है इसके अंदर, पाई बॉन्ड को ऐसे डिलोकलाइज करा लो तो यहां पर आ जाएगा, देखो इधर ध्यान से, पाई बॉन्ड को डिलोकलाइज कराऊंगा तो ये तो आपके पास में डबल बॉन्ड आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस जगह। अब यहां से एच निकाल दो आप, बहुत बढ़िया एल्कीन, क्यों, क्योंकि कंजुगेशन रेजोनेंस ऐसा अभी तक किसी में नहीं था, तो सबसे मोस्ट स्टेबल, यही पूछिए कि स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एबीसी, तो सबसे ज्यादा किसको देना, सी को फिर ए को, पहले सी को फिर ए को और फिर बी को, ये लो आंसर। फिर पूछा है कि विच एज लीस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन में सबसे पहले लाइन तो पाई बॉन्ड चेक कर लिया करो, कितने पाई बॉन्ड, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होते उतनी ज्यादा होती हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, बोले बराबर है साहब, तो स्टेबिलिटी चेक करो, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के लिए दो बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ये जब देखनी है आपको स्टेबिलिटी, जब पाई बॉन्ड सेम हो, ध्यान रखें आप, तो साहब ये सबसे ज्यादा स्टेबल है हाइपर कंजुगेशन की वजह से एल्फा एच थे, तो इसी की हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन सबसे लीस्ट, सबसे कम। क्वेश्चन क्वेश्चन नेक्स्ट एल्कोहलिक KOH डाला आप, अब देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 21 को, एक सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, ध्यान से देखने वाली बात। अब स्टूडेंट यहां पर जनरली गलती कर देता है, क्योंकि वो क्या है, तुरंत इसमें रीअरेंजमेंट करा देता है, ये सब बातें करता है, तो ये जो एल्काइल हैलाइड है ध्यान से देखिए, एल्कोहलिक KOH डाला है, वो क्या करेगा, HS को इलिमिनेट करेगा। अब ये कौन सा एल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी, तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड के अंदर जो इलिमिनेशन रिएक्शन होगी वो होगी E2, जिसके अंदर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, और
जो बीटा कार्बन है वहां से एच निकलेगा, तो यहां तो एच ही नहीं है, यहीं से निकलेगा बस, कंपाउंड ये बनेगा बस ओनली, इसलिए गलती हो जाती है, उसको ध्यान रखो। ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 स्टीरियो केमिस्ट्री का ऐसे कई क्वेश्चन डाले मैंने, अब आप देखो एक बार ध्यान से क्वेश्चन 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सिस्टोब्यूटीन है आपके पास में, उस पर एल्कलाइन के मेनोपोर यानी बियर्स रेजेंट डाला है। अब आपको मैं एक लाइन समझा देता हूं, सारे क्वेश्चनों को इससे कर लिया करो, CAR और इसका मतलब होता है सिसेल्कीन, एंटी एडिशन हो तो रेसेमाइजेशन होता है, और ट्रांस एल्कीन हो एंटी एडिशन हो तो मीजोफॉर्म बनती है। इसके उल्टा भी लिख लो, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझा देता हूँ। सिमेट्रिकल एल्कीन लेना करो, फिर अभी उसके बाद में सिस एल्कीन हो सिन एडिशन हो मीजो बनता है, इसको उल्टा लिखो, और ट्रांस एल्कीन हो सिन एडिशन हो तो रेथिमाइजेशन होता है। बस सारे क्वेश्चन इन दो पॉइंट से हो जाते हैं, कार याद रखनी है कार। जैसे अब यहाँ पे देखो सिस एल्कीन, ठीक है, और बियर्स रेजेंट कैसा एडिशन शो करता है, सिन, ध्यान रखना सिस एल्कीन है सिन एडिशन, इसलिए क्या बनाना है आपको, मीजो। लो साहब फर्स्ट कंपाउंड देखो, ए इज मीजो 2,3-butanediol फॉर्म्ड बाय द सिन एडिशन, खत्म। ठीक है, ऐसे कई क्वेश्चन है तो आप इन्हीं फॉर्मूले से कर लिया करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर था ये 22, क्वेश्चन नेक्स्ट दिखाता हूं आपको 23। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23, एक कुछ रिएक्शन रिएजेंट रिएक्शन दे रहा कि रिएजेंट मैच करना है। देखो एक बार ध्यान से, सबसे पहले इस प्रोपीन पर 2-bromo बनानी है, तो सिंपल एडिशन रिएक्शन करानी है मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग, HBr से करा दो। इसके बाद में इसी प्रोपीन को फर्स्ट ब्रोमो में बदलना है, तो परोक्साइड खरास इफेक्ट कराओ, परोक्साइड लो तब होगा। ठीक है, फिर क्या करनी है, इस पर 2-bromo फिर क्या करना है, एलाइलिक, गुड गुड क्वेश्चन, एलाइलिक ब्रोमिनेशन कराना है तो NBS लो। एलाइलिक ब्रोमिनेशन में क्या लेंगे आप, NBS लीजिए एलाइलिक ब्रोमिनेशन के अंदर, तो ये NBS हो जाएगा आपके पास में इसमें। और फिर क्या करना था आपको, 2-bromine जोड़ने, तो ब्रोमीन वाटर डाल दो, खत्म बात। ऑप्शन चेक कर लीजिए अपने क्वेश्चन, फिर इसी तरह से 24 वही मैच द कॉलम का है। देखो एक मैच द कॉलम क्या, उसमें एक रिएक्शन पूछिए, ध्यान से सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग इलिमिनेशन रिएक्शन विल अकर फर्स्ट ब्यूटीन एज ए मेजर प्रोडक्ट, फर्स्ट ब्यूटीन, ध्यान रखना आप, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन कराना चाहते हैं, ये E1CB, E1CB जिसमें हॉफमान बनती है, लेस स्टेबल, तो E1CB के लिए आप ध्यान रखो, एक तो देता है आपको बता दूं फ्लोरो एल्केन, समझ के कौन थे, फ्लोरो एल्केन, जैसे इसमें आंसर भी वही है फ्लोरो, इनमें एक तो इनमें होती है ये, और दूसरी बात स्ट्रॉन्ग बेस हो ना, जैसे टर्शियरी ब्यूटोक्साइड वगैरह बल्कि बेस हो, ऐसे वो कर जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा आपके पास में फ्लोरो वाला, सी ऑप्शन। ठीक है, फ्लोरो एल्केन E2 ये E1CB रिएक्शन देते हैं, मेजर प्रोडक्ट होपमान एल्कीन होती है, लेस स्टेबल। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव प्रोडक्ट विद HBr इन प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ परोक्साइड, यानी सेम प्रोडक्ट बनना चाहिए, गिव सेम प्रोडक्ट एबसेंस, तो आप क्या करना, सिमेट्रिकल एल्केन ले लेना, जैसे ये जैसे पहले मैंने कौन सी ले ली था, ये साइक्लोहेक्सीन ले लो। अब आपको पता है सिमेट्रिकल में मार्कोनिकोव रूल की जरूरत नहीं पड़ती, मार्कोनी एंटी मार्कोनी दोनों में सेम प्रोडक्ट बनता है। विच ऑफ द रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछे कार्बोनिल कंपाउंडों का, तो आप ध्यान से समझ लो, कार्बोनिल कंपाउंडों का जो मेन रिएक्शन है वो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, पहला स्टेप ये होता है न्यूक्लियोफाइल अटैक करके एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बनता है। ठीक है, ये क्या बन जाता है, sp3 टेट्राहेड्रल, ये क्या थी, sp2, इसलिए स्टेरिक क्राउडिंग भी चेक करना, इस पर पॉजिटिव चार्ज भी चेक करना, क्योंकि जब कोई आपको प्लस आई के इफेक्ट लग जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो सबसे पहले फॉर्मर यही ऑर्डर है आपको बता देता हूँ, चेक कर लो, समझ गए, चार्ज होना चाहिए प्लस चार्ज ज्यादा, स्टेरिक क्राउडिंग होनी चाहिए कम, स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए कम। देखो क्वेश्चन नंबर 27, बढ़िया क्वेश्चन है, एक इलिमिनेशन रिएक्शन है जो बीटा कार्बोनिल एसिड्स होते हैं वो क्या है, हीटिंग से डिकम्पोज जाते हैं। अब इसको थोड़ा आप समझो, ये लिख रखा था बीटा कीटो एसिड है कोई, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ड्यूटेरियम ले रखा है एसिड में, और यहाँ पे लगा रखा है C2H5। ठीक है, इसका थर्मली हीटिंग इफेक्ट चेक करना था, तो इनमें CO2 बाहर निकलती है। अब वो कैसे निकलती है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो जब आप इसको हीट करते हो तो एक 6 और 5 मेंबर रिंग बननी चाहिए, 6 मेंबर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनते हैं। देखो इधर, ये तो इसका जो ड्यूटेरियम था ना, ये आपके पास में एसिड लिखा, अब ये H+ आयन नहीं लेके ड्यूटेरियम ले रखा था, ध्यान रखना। तो ये जो ऑक्सीजन है ऐसे इसमें एक रिंग बनती है 6 मेंबर, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इस ड्यूटेरियम को देती है, ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगी, ड्यूटेरियम ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर आएगा पॉजिटिव, ऐसे डिकम्पोज हो गई, CO2 को बाहर कर दो। देख लो अब आप, ये क्या बाहर निकल गई, ये CO2, इधर देखो ये हाइड्रोजन किस पे लग जाएगा, इस ऑक्सीजन पे, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे नेगेटिव, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड यानी फर्स्ट प्रोडक्ट।
अब मैं आपको एक लाइन समझा देता हूं, एक बार देख लो किस तरह से ये डिकम्पोजिशन होता है। एक सिक्स मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है, इनको ई आई इंट्रामोलिक्यूलर इलिमिनेशन या साइक्लिक इलिमिनेशन भी कहते हैं, ध्यान रखें आप इनको, ठीक है। तो इसके अंदर से जो बनेगी ना, ये इनोल फॉर्म बनी है एक्चुअल में, इससे भी ज्यादा यदि लिखी होती तो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर देते। देखो अब आप इस बात को समझ लीजिए, ये क्या एक इनोल फॉर्म है, यहाँ पर लग रहा है ओडी और ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या लाया हुआ है इथाइल। यदि और मोर स्टेबल होती तो इनोल फॉर्म में आपको पता है इस डबल बॉन्ड को मैं यहाँ कर देता और एच को पास वाले जो एच या डी जो ड्यूटेरियम है वो इस जगह आ जाता, ये बनता है इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म। तो वो आपको दे नहीं रखे, यहाँ पर डी दिखाना चाहिए था, यहाँ पर डी दिखाते तो मैं इसको लिख देता, ये है नहीं, इसलिए आंसर फर्स्ट ओनली। देखो क्वेश्चन नंबर 28 स्टेटमेंट है, ध्यान से देखो क्वेश्चन 28 को। इसमें से आपको क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, इनकरेक्ट अमंग द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन विनाइल क्लोराइड इज स्ट्रॉन्गर देन क्लोरोइथेन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको पता है प्लस एम इफेक्ट है, ये विनाइल क्लोराइड है और ये क्लोरोइथेन है। यहाँ पर आपको पता है प्लस एम इफेक्ट की वैसे ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर कहते हैं डबल बॉन्ड के करेक्टर, इसलिए स्ट्रॉन्गर है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन इथीन इज शॉर्टर देन दिस कंपाउंड। अब इथीन में तो आपको पता है कार्बन कार्बन प्योर डबल बॉन्ड है, इसमें कैसा है वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि दिखाई तो ये भी डबल बॉन्ड ही रहा है, ध्यान से सुन लो, ये तो इथाइलीन है। अब इसमें कंपाउंड दे रखा है जो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच और यहाँ पर ओ और क्या लिखा हुआ है सी एच थ्री। अब आपको फिर ध्यान रखना चाहिए ये कैसे इफेक्ट का है, प्लस एम, जब ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा इलेक्ट्रॉन देगा तो इस कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड के करेक्टर आ जाएंगे, इसलिए बॉन्ड लेंथ कैसी हो जाएगी इसकी लॉन्गर, तो शॉर्ट बॉन्ड लेंथ किसके अंदर होगी इथीन में, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन इथीन इज शॉर्ट, बिल्कुल देन दिस करेक्ट आंसर। फिर आगे लिखा हुआ है मिथाइल थायोल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन मिथेनॉल, आप इस बात को भूलना मत, गलती भी स्टूडेंट हमारा करता रहता है, करनी नहीं चाहिए, समझ गए। अब आपको पता है कि कंजुगेटेड बेस बना लिया करो, उनकी स्टेबिलिटी चेक करो, ये साहब आपके पास में कंजुगेटेड बेस। अब यदि किसी एलिमेंट के पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकंड पीरियड होते तो चेक करते, यदि सभी सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते, क्योंकि उन पर एमडीडी ऑर्बिटल तो होता नहीं, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पर यदि नेगेटिव चार्ज है तो मोर स्टेबल। लेकिन यहाँ केस दूसरा है, क्योंकि यहाँ पर ये सल्फर कौन से पीरियड का है आपको पता है ना, थर्ड पीरियड का, इसके पास में क्या पड़े हैं एम डी ऑर्बिटल, तो डी ऑर्बिटल एम डी ऑर्बिटल में नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाता है, और चार्ज जब डिस्पर्स हो जाएगा तो मोर स्टेबल, और जिसका कंजुगेटेड बेस मोर स्टेबल होता है एसिड उसका स्ट्रॉन्गर एसिड, इसलिए ये भी सही लिखा हुआ है, ठीक है। आगे लिख रखा है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड एन एच टू स्ट्रॉन्गर बेस देन दिस, ये गलत है, क्योंकि आपको पता है ना कि ये जो लुइस बेस है और प्लस एम इफेक्ट की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो रेजोनेंस में चला जाएगा, इसलिए ये वीक रहेगा बजाय इथाइल अमाइन के, ये इनकरेक्ट सेंटेंस था, आपको यही चेक करना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आंसर क्या दूंगा मैं इसके अंदर, डी, क्वेश्चन नंबर था ये 28। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29 को, क्वेश्चन 29 बिल्कुल सिंपल एलिमेंट्री क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए एक बेसिक पॉइंट ऑफ पढ़ने के लिए। ऐसे लिख रखे हैं कुछ बेस, बेसिक स्ट्रेंथ बतानी, एक OH है, एक अमाइड है, एक टर्मिनल एल्काइन एसिटिलाइड है, और एक आपके पास में क्या चीज है इथेन का है, एच अटैक है। तो अब आप एसिडिक स्ट्रेंथ, आपको पता है कि सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड जो होगा उसका कंजुगेटेड बेस कैसा होगा, वीक, तो सबसे वीक एसिड था इथेन, इसलिए ये कंजुगेटेड बेस सबसे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। उससे थोड़ा सा एसिड जो स्ट्रॉन्गर था वो आपके पास में अमोनिया, तो इससे स्ट्रॉन्गर हो जाए, ये सबसे स्ट्रॉन्गर बेस था। फिर क्या हो जाएगा आपके पास में अमाइड आयन, फिर कौन सा हो जाएगा आपके पास में टर्मिनल एल्काइन वाला, और लास्ट में कौन सा हो जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि इन सब में वाटर, आप ध्यान रखना टर्मिनल एल्काइन से भी, क्योंकि टर्मिनल एल्काइन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली 2.5 और वाटर में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 3.5। अब मैं बोल रहा हूँ ना सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर यदि नेगेटिव चार्ज होगा मोर स्टेबल, एंड हेंस हाइड्रोक्साइड आयन मोर स्टेबल देन एसिटिलाइड ऑल्सो, इट मीन्स वाटर इज मोर स्टेबल देन गिवन स्पीसीज, एंड हेंस तो इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है फर्स्ट आंसर आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 30 दिखाता हूं आपको, देखो एक बार क्वेश्चन 30 को क्या है कि कुछ कंपाउंड है एल्कोहल ही, एक्चुअल में ये इसमें एल्कोहल के डिहाइड्रेशन के कई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आते ही रहते हैं, आपको बता दूं और कुछ है ही नहीं खास बात, ठीक है, क्योंकि एल्कोहल का डिहाइड्रेशन है, एल्कीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, तो आपको इसमें मेजर प्रोडक्ट बनाना था, इसमें मेजर और फिर पूछना था सम बताना था एल्फा हाइड्रोजन का, तो पहले में तो आप क्या करो, तो यहीं से सुन लो, प्रोटोनेटेड करो साहब इसको, एच निकालो सेकेंडरी बनेगा, हाइड्रोजन को माइग्रेट करो टर्सरी में और फिर एल्कीन यही बनेगी, कितने एल्फा एच हो गए साहब आपके पास में 9, ठीक है। इसमें भी क्या करना, आप इसको प्रोटोनेटेड कर दीजिए, कितना बन गया ये सेकेंडरी टर्सरी बन गया, यही स्टेबल है, एच यहाँ से निकाल देना,
इसलिए ये एल्कीन बन गई। इसके अंदर कितने हो गए, 3 और 3 और 2 और 2, 10 इसके अंदर और 9 इसके, 19 आंसर। ठीक, क्वेश्चन पहला, फिर वही है 31 में, पहले तो इसका एडिशन कराना है लिंडार कैटलिस्ट का और फिर निकले H2। ध्यान रखना, फिर वही लाइन ध्यान रखो आपके, तो CAR सिस एल्कीन एंटी एडिशन रेथेमाइजेशन, ट्रांस एल्कीन एंटी एडिशन बीजो, उल्टा करके लिख लिया करो, CSM और TSR, बस खत्म। तो ये कैसी एल्कीन हो गई, ये आपको दे रखे, PDBSO4 कैसे करता है, ट्रांस बनाता है, तो यानी ट्रांस एल्कीन है, यहाँ पर आओ, ट्रांस तो एल्कीन है अब ये, और एडिशन कौन सा है, ये सिन साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है, इसलिए रेसिमाइजेशन, खत्म करो, इसलिए क्या बन जाएगा आपके पास में, पैलेडियम बैरोफोर से सिन बनेगी, सॉरी पैलेडियम और BSO4 से जो एडिशन होगा, कौन सी एल्कीन बनेगी, सिस लिंडार कैटलिस्ट, एडिशन कौन सा कराना है, सिन, क्या कंपाउंड बनेगा, मीजो, लो साहब, तो मीजो वाले कौन से कंपाउंड इसके अंदर चेक कर लो, एक तो पहला ये, और भी कोई है क्या इसके अंदर, बस फर्स्ट ये, क्योंकि ये एच नहीं है, फिर यहाँ पर मिथाइल होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन 32, फिर टू आर द डिहाइड्रेशन बताओ किसके अंदर इजी होगा, तो आपको पता है कि साहब जो कैटाइन बनता है वो मोर स्टेबल बनना चाहिए, कंजुगेशन में आ जाएगा, फर्स्ट ही कर लो, अच्छा प्रोडक्ट तो इसका भी सेम आता है लेकिन कंजुगेशन में कैटाइन नहीं बनता, ध्यान रखना आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखो, 33 क्वेश्चन को, सोडियम की रिएक्शन कराई लिक्विड अमोनिया से, समझ गए क्या हो जाएगा, ये बर्थ रिडक्शन भी कहते हैं बेंजीन जैसे, पर तो इसको, तो ये कौन सी एल्कीन बनती है, ट्रांस एल्कीन एडिशन कौन सा है आपके पास में, कंबियस रिएजेंट कैसा करता है, सिन, तो वही ध्यान रखो, ट्रांस तो एल्कीन है, सिन एडिशन है, ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए क्या करोगे, रेथिमाइजेशन, रेथेमिक मिक्सर बनेगा। फिर यहाँ देखो सोडियम और ये इसका कैसा रिडक्शन करेगा आपके पास में, ये कौन सा रिडक्शन करेगा, इससे एल्कीन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ट्रांस में, ये कौन सा करेगा, एंटी एडिशन, अब ट्रांस एल्कीन एंटी एडिशन और क्या बनेगा कंपाउंड, मीजो, मीजो वाले को टिक कर दो। फिर देखो D2 क्या बनाता है, फिर एक बार देख लीजिए, कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन कहता होता है सिन एडिशन, तो एक एक डी इधर जोड़ दो और या ऊपर भी जोड़ सकते हो, तो एक तो आपके पास में यानी बी और सी दोनों हो जाएंगे, कैसे जोड़ो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ओजोनोलाइसिस में आपको समझा रखा है, इन बॉन्डों को तोड़ के ओ लगा दिया करो, एक एसिटल्डिहाइड, एक बन जाएगी CO2 और एक फॉर्मल्डिहाइड, ये लो साहब। क्वेश्चन से 37 था, क्वेश्चन 38 दिखाता हूं आपको, आओ देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 38, बिल्कुल एक बैलेंस करने का क्वेश्चन है बच्चों के जैसा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबेशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन लिखी C3H8 प्लस O2, बोले कितना चाहिए, तो आपको पता है सिंपल सी बता दूं बात, जितने कार्बन है उन सबका तो CO2 बनाओ, जितने हाइड्रोजन है उनका वाटर बनाओ, और यहाँ से बैलेंस करो, तो वाटर में 4 और 10 ऑक्सीजन चाहिए, 10 का मतलब यहाँ पर 5 लगा दो, 1 मोल के लिए 5 चाहिए, खत्म हो गया क्वेश्चन, ये लो साहब। ठीक है, ड्यूरिंग द कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस इनर्ट प्लेटिनम इलेक्ट्रोन pH बतानी है, तो आपको पता है ना कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो किसी सोडियम पोटेशियम सॉल्ट लेते हैं इसका, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन है, तो ये एल्केनोएट आयन तो चला जाता है, आपको बता देता हूँ कैथोड पर, एनोड पर, और यहाँ से जो वाटर में से H प्लस आयन है ये चला जाता है आपके पास में कैथोड पर, तो सॉल्यूशन में क्या बच जाता है, NaOH या एल्कलाइन pH बढ़ती चली जाती है, प्रोग्रेसिवली इंक्रीज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बेस इन द कंटेनर या इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर, बेसिक मीडियम हो जाता है, इसलिए बेस की आपको पता है pH बढ़ती जाती है लगातार। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट, इसके अंदर जिंक कॉपर कपल के संग एड करोगे तो आपको पता है ना कि ये अल्फा ओमेगा टाइप के, इसलिए दोनों बाहर निकल के साइक्लो एल्केन बदल जाती है। हाउ मेनी प्रोडक्ट विल बी फॉर्ड मीन सिस 1-3-5 ट्राई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन ट्रीटेड विद NBS, पहले इसका नाम लिख लो आप, फॉर्मूला बनाओ, 1 ये लगा दिया, 3 और ये 5, स्टीरियो केमिस्ट्री देखनी नहीं है आपको, बस बताना है एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, आपको बतानी है साहब कि NBH की रिएक्शन से कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो अब आप देखो 1-3-5 समझ बैठगी, अब आपको बता देता हूँ एलाइलिक कार्बन किसको कहते हैं, आप ये समझ लो इस कार्बन का नाम एलाइलिक है। अब आप इधर से देखो, जैसे सपोज मैं इस डबल बॉन्ड को बोलता हूँ, इस वाले डबल बॉन्ड की बात करता हूँ, यहाँ से देखो तो एक एलाइलिक कार्बन ये हो गया, एक ये हो गया, एक इसकी बात करूं तो एक एलाइलिक कार्बन ये हो गया और एक ये एलाइलिक कार्बन ये होगा, तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे। देखो यहां से समझो, इस डबल बॉन्ड को देखो आप, जैसे ये डबल बॉन्ड मैंने देख लिया तो इस कार्बन को बोलूंगा एलाइलिक, इधर आओ अब आप, इस डबल बॉन्ड को देखूंगा तो एक एलाइलिक ये, एक एलाइलिक ये, इधर से देख रहा हूं, समझ गए, अब मैं इसको इधर से भी देख रहा हूं, अब इस डबल बॉन्ड को देखोगे तो एक एलाइलिक ये हो गया आपके पास में और एक एलाइलिक कार्बन, इस कार्बन को बात करोगे तो एक एलाइलिक ये और एक इसको,
इसलिए टोटल कितने बनेंगे आपके पास में, 4। क्वेश्चन एनबीएस में मेजर प्रोडक्ट, आपको पता है कि एलाइलिक होता है तो यहीं पे बना हुआ, ठीक है। फ्री रेडिकल बनते हैं, मोस्ट स्टेबल, ये फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, पहले क्या करो, देखो कुछ नहीं है, सिंपल पहली। आप इन क्वेश्चनों को, ऐसे बड़े क्वेश्चनों को देख के घबराए मत करो, बिल्कुल इनका सामना किया करो। एग्जाम उसी को तो कहते हैं, अरे जो डायरेक्ट पढ़ के जाते हैं वही आ जाते हैं, काई के एग्जाम है। एग्जाम किसे कहते हैं, जिसके अंदर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो और नया क्वेश्चन आए उससे जूझिए आप एग्जाम में, और उसको सही कर दोगे तो अपने आप को बड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है, अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो उनको किया करो, ऐसे घबराए मत करो कि साहब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, रहता होता कुछ नहीं, नथिंग, जो मैकेनिज्म है उसके बेस पे चलते जाइए। देखो सबसे पहले क्या करना है, इस कीटोन पर गिरने वाला रिएजेंट, आपको पता है ये न्यूक्लियोफाइल है, इस बॉन्ड को खोल दो और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एक टर्शियरी अल्कोहल में बदल जाते हैं कीटोन, तो मैं इसको पहले बदल देता हूं। देखो आप पहले स्टेप में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन कराओगे तो ये टर्शियरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा पहली बात। फिर क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डालोगे तो कैटायन बनेगा, और जिससे क्या बन जाएगी आपके पास में, एल्कीन बन जाएगी। ये बन गई था आपके पास में एल्कीन, पहले में ये अल्कोहल बन गया, दूसरे में ये एल्कीन बना दी मैंने, ठीक है। तीसरे में क्या कराना है, ओजोनोलाइसिस, तोड़ दो सारे बॉन्डों को, तोड़ के क्या करो, एक डबल बॉन्ड वो इसके संग लगा देना और एक डबल बॉन्ड इसके संग लगा देना, लो फर्स्ट ही बन गया, लो खत्म हो गया। कितना बड़ा क्वेश्चन क्या था, कुछ नहीं, नथिंग। क्वेश्चन Which one is more reactive toward SE, electrophilic aromatic substitution? अब ये पता है किसमें रिएक्शन मिलती है, बेंजीन वगैरह में, जैसे टोलुइन। अब देखो आप ध्यान से, एक लिखा हुआ है टोलुइन, एक लिखी हुई है इथाइल बेंजीन, पहले आपको समझा देता हूं, एक लिखा हुआ है इथाइल बेंजीन, एक लिखी हुई है क्लोरो बेंजीन, एक ऑप्शन, और एक लिखा हुआ है क्यूमीन। क्यूमीन समझते हो, आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज कॉमनली नोन एज क्यूमीन, ठीक है। तो ये तो है साहब डीएक्टिवेटर, माइनस आई इफेक्ट की वजह से बेंजीन से कम, इसको हटाओ, ये सब एक्टिवेटर। अब आप चेक करो अल्फा एच, क्योंकि ये भी हाइपर कंजुगेशन शो करती है, और आपको ध्यान होना चाहिए कि इसके अंदर 3 अल्फा एच है, और इसलिए नो पोजीशन है, एक अल्फा एच से 3 बार आता है, नो पोजीशन है जिन पर नेगेटिव चार्ज आएगा इस तरह से 9 टाइम्स, क्योंकि एक अल्फा एच से 3 बार आता है, ठीक है। यहां पर कितने अल्फा एच हुए, 2, इसलिए 6 पोजीशन पर आएगा, 6 टाइम्स, एक पे 3 बार, समझ रहे हो। इसके अंदर कितना अल्फा, केवल 1, 3 बार, इसलिए मोर रिएक्टिव सेंटर कौन से बनेंगे, टोलुइन के अंदर, आंसर टोलुइन, फर्स्ट ऑप्शन। विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN रिएक्शन, अब देखो इसमें भी कुछ नहीं बोला, चाहे SN1 हो या SN2, मेन रिएक्शन SN1 और SN2 में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आप समझना, SN1 और SN2 दोनों के लिए समझा देता हूं। जैसे लिख रखा है एलाइल क्लोराइड, अब आप सुनिए, ये हो गया था एलाइल क्लोराइड। मैं SN1 की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कैटायन, इनमें से विनाइल क्लोराइड देता नहीं, क्लोरोबेंजीन देती नहीं, आइसोप्रोपाइल के अंदर रेजोनेंस होना नहीं, इधर देखो। तो मैं पूछता हूं, चलो पहले बताओ SN1 कौन, भाई इन दोनों को तो देखते ही काट दो, क्योंकि बोले था इसके अंदर पाई बॉन्ड के करेक्टर है, डबल बॉन्ड करेक्टर है, इस प्लस एम इफेक्ट की वजह से, इसलिए ऑर्डिनरी कंडीशन पर विनाइल हैलाइड और क्लोरोबेंजीन हेलोहेरिन SN रिएक्शन नहीं देते, इनर्ट एट ऑर्डनरी कंडीशन, ठीक है, विग्रस कंडीशन अलग खेल होता है, ठीक। अब बचे दो, तो अब मैं पूछूं, बताओ SN1 की बात पूछे तो किसमें जल्दी होगी, बोले फर्स्ट में, बिकॉज एलाइल मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, आइसोप्रोपाइल में होता नहीं। अच्छा दूसरी SN2 की बात करता तो फिर ध्यान रखना, SN2 में पता है क्या बनता है, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ऐसे ये न्यूक्लियोफाइल निकलने वाला होता है और ये एडिशन करने वाला होता है, तो इसके अंदर भी sp2 है, और ये आपको पता है कि ये जो p ऑर्बिटल है ये भी sp2 है, ये सब पैरेलल हो जाते हैं, इसलिए मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट भी बनती है किसके अंदर, SN2 में। इसलिए कुल मिलाकर बात करें तो एलाइल क्लोराइड ज्यादा रिएक्टिव है इन चारों कंपाउंड में टुवर्ड द SN रिएक्शन, चाहे SN1 की बात करो या SN2 की बात करो। तो ये दोस्तों कंप्लीट आपका पेपर हो गया, इसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे, ठीक है, इसकी आंसर की मैंने आपको डाल दी, एक बार और देख लो सारे क्वेश्चनों को, फिर खुद करना, और फिर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। सब्सक्राइब करते हुए मैं बंद करता हूँ, ठीक है, ओके बाय।